जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक भर्ती 2022 के बारे में, जो कि प्यून यानी कि चपरासी के पद पर निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है, जहाँ पर आपको इस भर्ती के अपडेट की जानकारी मिलेगी और आप अन्य भर्ती के अपडेट के लिए भी jobsgyan.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर भर्ती के बारे में जानकारी जानेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर जान सकते हैं कि ये भर्ती पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी की गई है और पोस्ट का नाम आपकी प्यून है। इसमें यहाँ पर दोस्तों जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 28 है और एप्लीकेशन मोड आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन माध्यम से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और कहाँ पर सेंड करना है। यहाँ पर कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब से, जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पर जो रहेगी वो आपकी HP रहने वाली है। अभी मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस फॉर्म की ये बता दूँ कि जो पंजाब नेशनल बैंक है ये सभी स्टेट के लिए और सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग से प्यून की वैकेंसी जारी करता है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर काफी टाइम से बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि पहले भी ये भर्ती अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आई है। इसी प्रकार से अभी जो वैकेंसी आई है रिसेंटली, ये आपकी हिमाचल प्रदेश के लिए आई है, जिसमें कि आपका हमीरपुर सर्कल है और ऊना सर्कल है, तो इन सर्कल के लिए अभी आई है। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आपके सर्कल में आए तो आपको मैं अपडेट करूं कि आपके सर्कल में वैकेंसी आ चुकी है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपका जो स्टेट है वो बताना है और डिस्ट्रिक्ट बताना है, साथ ही बताना है कि क्या आपको इसके बारे में अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप ये भी कमेंट करेंगे कि सर मेरी स्टेट यह है और मेरी डिस्ट्रिक्ट यह है, तो जब हमारी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है तो हमें अपडेट कीजिएगा। तो अगर आपके कमेंट आएंगे आगे, जब भी इसके अंदर कोई वैकेंसी आएगी मैं ध्यान में रखूंगा और आपको उसके बारे में वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो इसमें अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि एलिजिबिलिटी चाहे किसी भी स्टेट में वैकेंसी आई सेम ही रहती है। तो इसमें दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाती है। एज लिमिट आपकी 18 से 24 साल के बीच होती है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट यहां पर दी जाती है। सैलरी आपको इस पोस्ट पर 14,500 रुपये से लेकर 28,145 दी जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको 14,500 से लेकर के 28,000 रुपये पर मंथ सैलरी इसके ऊपर मिलती है। सिलेक्शन आपका मेरिट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें आपका कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होता, जो आपकी परसेंटेज होती है 12th की उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाता है। साथ ही इसमें कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, बस जो आपका चार्ज लगेगा फॉर्म को सेंड करने में वही इसमें लगने वाला है। और बात करें इसके फॉर्म की, तो यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 15 जनवरी 2022 से लेकर के 10 फरवरी 2022 तक भर सकते हो HP सर्कल के लिए। यहां पर आप ये देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी में किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है। जैसे कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें हमीरपुर के लिए 2 है और ऊना के लिए 1 है। OBC में हमीरपुर के लिए 3 और ऊना के लिए 2, ST में 1 और ऊना के लिए ST में कोई वैकेंसी नहीं है। SC में 4 है और ऊना के लिए 3 है, और UR में 7 वैकेंसी, हमीरपुर और ऊना में 5। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप UR यानी कि जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल में कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर लेती है। इसमें यहाँ पर सैलरी आपने जान ली है, क्वालिफिकेशन अगर डिटेल में बताऊँ तो अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता जो कि मिनिमम और मैक्सिमम है, विद बेसिक रीडिंग राइटिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रीड करना और लिखना आना चाहिए। भले ही आपको इंग्लिश बोलनी या इंग्लिश समझनी ना आती हो, मतलब वाली, बस आपको इंग्लिश पढ़ना और उसको लिखना आता हो। साथ ही आपको एक आई कि दी कैंडिडेट हैविंग कंप्लीटेड हायर क्वालिफिकेशन, जिसकी ग्रेजुएशन या अबो, उनको अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी द डोमिसाइल ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट फॉर विच वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड पब्लिश्ड, यानी कि जिस सर्कल के लिए यहां पर यह वैकेंसी दी गई है, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो उसी सर्कल के होने चाहिए और उनके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने जाना है, अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए। आपको यहीं पर नीचे देखने को मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमीरपुर सर्कल या फिर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ जो भर्ती के एलिजिबिलिटी की जानकारी है वो आपको जानने को मिलेगी। थोड़ा धुंधली है बट मैं फिर भी इसको रीड करके आपको बता सकता हूँ, मे बी आप इसको रीड ना कर पाए वीडियो में,
बट यहाँ पर भी रीड करने लायक है। आपको यहाँ पर नीचे आयु की जानकारी दी जा रही है, 18 से 24 साल आप यहाँ पर देख सकते हो। एज आपकी 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी और आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ क्वालिफिकेशन में बोला है न्यूनतम एवं अधिकतम 12वीं उत्तीर्ण या फिर उसके बराबर की अन्य योग्यता, ये आपको यहाँ पर दी गई है। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आइए, नीचे आकर के आपको यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पर आप थोड़ा और नीचे आकर के देखेंगे इसके फॉर्म का प्रारूप, आवेदन का प्रारूप, आपको इस पार्ट को यहाँ से प्रिंट कर लेना है, छोटा सा पार्ट है ये, आपको प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद में स्पेस फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। नाम के सामने आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है, चाहे हिंदी में लिख दीजिए या फिर इंग्लिश में, बेहतर ये रहेगा कि आप इंग्लिश के बड़े अक्षरों के अंदर अपना नाम यहाँ पर लिखें। फिर आपको पिता का नाम भी 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पति का नाम देना है, ये फीमेल के लिए है, नहीं तो आपको इस तीसरे वाले को खाली छोड़ना है। 4 है आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मतिथि, जन्मतिथि आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही लिखनी है, जैसे कि 02 फिर स्लैश लगाइए 05 फिर स्लैश और फिर आपका ईयर। शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहां पर इसमें 12th ही मांगी है तो आपको 12th लिख देना है। फिर आते हैं श्रेणी यानी कि कास्ट कैटेगरी, तो इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी है उसी के सामने, उसी के ऊपर आपको राइट टिक लगा देना है, यानी कि जो राइट का निशान होता है वो आपको लगा देना है। 7 पॉइंट है रोजगार कार्यालय का नाम जहां पंजीकृत हो और पंजीकरण संख्या, यानी कि आपका जो रोजगार कार्यालय है जिसके अंदर आप रजिस्टर हो, इसमें ये भी आपसे मांगा है, तो आपको जहां पर भी आप रजिस्टर हो उसका नाम और उसकी जो रजिस्ट्रेशन की नंबर है वो यहां पर आपको आगे देनी होगी। टेलीफोन के अंदर आपको मोबाइल नंबर देना है। पत्र व्यवहार का पता का के अंदर आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखना है। नीचे आपको नोट करके कहा है कि आयु शैक्षणिक योग्यता 10वीं एवं 12वीं श्रेणी रोजगार कार्यालय पंजीकरण व जिले के निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करे, यानी कि आपको यहां पर जो इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसमें आपको एक तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करनी है, दूसरा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप इस फॉर्म को एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, जो रोजगार कार्यालय के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है, चौथा आपका जो निवास प्रमाण पत्र है डोमिसाइल उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है, और इन प्रमाण पत्रों के बिना आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये लाइन आपको यहां पर नीचे देखने को मिल पा रही है। यानी कि इसमें जो आपको अटैच करने हैं, एक तो आयु सर्टिफिकेट जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल करेंगे, शैक्षणिक में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, तीसरा अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, चौथा आपका जो रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो, फिर पांचवा आपका डोमिसाइल, ये 5 डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की जगह आपको आपका सिग्नेचर करना है और ये करने के बाद में आपको इस फॉर्म को जो सेंड करना है वो आपको इस एड्रेस के ऊपर करना है, जो कि है पंजाब नेशनल मेन ब्रांच मेन रोड हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, ये आपका पिन है, इसके ऊपर एग्जैक्टली आपको इस फॉर्म को सेंड करना होगा। आपको एक लिफाफे में डालना है ब्राउन कलर के और ऊपर आपको ये एड्रेस लिख देना है, तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और मुझे बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट क्या है, ताकि मैं आपको आपकी वैकेंसी के लिए भी अपडेट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।